तो बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पटना में कार ने सड़क पर सोते हुए 4 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, एक ने अस्पताल में दम तोड़ा है। घटना के बाद लोगों ने ड्राइवर को भी जमकर पीटा, जिसके बाद उसकी मौत की खबर है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर टायर भी जलाए। हालांकि पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं हालात के मद्देनजर, हालात को देखते हुए, लेकिन पटना में तेज रफ्तार कार ने कैसे पहले कहर बरपाया। इस वक्त हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय, पूरी जानकारी दे, कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या हालात है? अब बिल्कुल, ये सुबह 4 बजे की घटना है और तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने फुटपाथ पर सोए 4 बच्चों को कुचल दिया, जहां पे 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो बच्चा था वो गंभीर रूप से जो घायल है उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बाकी उसमें जो ड्राइवर के साथ जो एक और व्यक्ति बैठे हुए थे, भीड़ ने उसे पकड़ते उसे वहीं पर उसको भी अधमरा कर दिया, जहां पर उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटना हुई है और वहां पे घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे तांडव तकरीबन 3 घंटे तक वहां तांडव मचा रहा। सारे वाहनों को रोक दिया गया, वहां आगजनी कर आगजनी की गई और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे लोग सड़क पे आ गए और उसके बाद वहां मौके पर जो पुलिस पहुंची है तो पुलिस पर पथराव कर दिया गया। हालांकि पुलिस भी इसमें कुछ घायल हुए हैं, लेकिन जिसे घटना हृदय विदारक घटना है जिसके कारण से ये पूरा माहौल जो है गमगीन हो गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच करके हंगामा को शांत कराने की कोशिश की है और उसमें 4-4 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजा राशि के तौर पे देने की बात कही है। जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, संजय आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब लोगों का गुस्सा फूटा तो उस वक्त पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा, शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। 4 लोगों की इसमें जान चली गई, 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और उसके बाद एक व्यक्ति को जब बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हालांकि लोगों का गुस्सा इस तरह फूटा कि उन्होंने ड्राइवर की जमकर पिटाई की, जिसके बाद ड्राइवर की भी मौत हो गई। संजय, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसके बारे में और क्या डिटेल है? और बिल्कुल, चूंकि जो वाहन में बैठे हुए थे एक ड्राइवर एक और व्यक्ति थे, वो दोनों लोगों को भीड़ ने ही पकड़ लिया था और उसी वक्त जो है उसे ड्राइवर को निकाल करके उसे जमकर पिटाई की, जिसमें वहां पे उसे दूसरे जो व्यक्ति थे उसे आनंद फानंद जो है बचाने की कोशिश की और वहां से जब तक पुलिस पहुंची है जब वहां से उसे उठा करके अस्पताल ले जाया गया तो जानकारी मिल रही है कि वहां जैसा कि वहां के AFC बलराम चौधरी ने जानकारी दी है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है वहां और दूसरे की भी हालत गंभीर है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार घटना कैसे हुई है, जो कार चालक थे वो शराब के नशे में थे या फिर क्या था, मामला कैसे हो गया, रफ्तार कितनी थी। ठीक है संजय, आपसे आगे हम आगे जानकारी और लेते रहेंगे। अभी वहां पर जैसे हालात बने हुए हैं तस्वीरों के जरिए दर्शकों को हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि जो लोग गाड़ी चला रहे थे क्या उन्होंने शराब पी रखी थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है।